नमस्कार दोस्तों, रीना की रेसिपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले का भरवा। सबसे पहले मैंने 3 करेला लिया है। इसका ऊपर का परत हल्का, मैं इसे इस तरह से रगड़ दूंगी ताकि इसकी करवाहट निकल जाए। इस तरह से, ज़्यादा इसे नहीं रगड़ना है, बस थोड़ा सा ही रगड़ना है इसकी करवाहट निकालने के लिए। दोस्तों, ये करेला का भरवा ऐसा बनेगा जो आपको कड़वा नहीं लगेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैंने करेला को दोस्तों पानी में भापने के लिए डाल दिया है। मैंने 2 से 3 गिलास पानी लिया था। इसमें सारे करेले को 2 टुकड़ा कर दिया इस तरह से और इसे भाप लूँगी। इसे 10 मिनट के लिए भापे। जब तक दोस्तों मेरा करेला भापा रहा है, तब तक मैं मसाले पीस लेती हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है प्याज 1 मीडियम साइज़ का इस तरह से कटा हुआ, चना लिया है फूला हुआ 1 मुट्ठी, धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच बड़ा, सरसों लिया है 4-5 चम्मच बड़ा, और जीरा मिर्च लिया है 2 चम्मच, लहसुन का कली लिया है 15-20। इन सब का मैं पेस्ट बनाऊंगी। चलिए दोस्तों, अब मैं ढक्कन हटा कर देखती हूँ मेरा करेला सीझा या नहीं। सीझ गया है दोस्तों, अब मैं इसे उतार देती हूँ नीचे ठंडा होने के लिए। तब तक मैं चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ गर्म होने के लिए, और मैं इसे गर्म पानी में से बाहर निकाल कर इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। चलिए दोस्तों, अब मैं करेले में से बीज निकाल लेती हूँ 1 चम्मच की मदद से। इसका सारा बीज आराम से निकालें ताकि आपका करेला फटे नहीं। इसी तरह से दोस्तों सारे करेले का बीज निकाल लें। देखिए दोस्तों, मैंने करेले में से सारा बीज निकाल लिया है, सारे करेले में से। अब मैं इस बीज को भी पीसकर इसका पेस्ट बनाऊंगी। चलिए दोस्तों, मेरा कढ़ाही गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल, 4-5 चम्मच बड़ा डाले दोस्तों, क्योंकि इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तेल गर्म है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, और इसी के साथ मैं डालूंगी 1 कटोरी चना फूला हुआ, और इसे पहले मैं 2 से 3 मिनट फ्राई करूंगी तेज आंच पर। दोस्तों इसे ब्राउन होने तक भुने, तेज आंच पर भुनेंगे तो जल्दी भुनेगा। चलिए दोस्तों, मेरा प्याज और चना ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ सरसों मसाला, और मैंने जो करेले का बीज पीसा था इसका पेस्ट बनाया था वो भी डाल दूंगी, और इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। अब इसमें डालें हल्दी मसाला पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें डालूंगी आमचूर्ण पाउडर 1 से 2 चम्मच। अगर आपके पास आमचूर्ण पाउडर नहीं है तो आप आम का अचार या आम का खटाई भी पीस कर डाल सकते हैं, या नींबू भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे पूरी तरह से भूने। बीच बीच में इसे चलाते रहें, जब तक ब्राउन ना हो तब तक इसे भूने। देखिए दोस्तों, मेरा मसाला भुन चुका है बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया का पत्ती, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसे एक प्लेट में सारे मसाले निकाल लूंगी। चलिए दोस्तों, अब मैं करेले में मसाला भरूंगी इस तरह से चम्मच की मदद से। इसमें पूरा अंदर तक इसमें मसाला भरे। इस तरह से पूरा कसकस कर भरे इसमें मसाला। इस तरह से मसाला भरे। मसाला को इस तरह से सारे करेले में भर दें। देखिए दोस्तों, सारे करेले को मैंने भर लिया इस तरह से। इसमें अंदर तक मसाला डाला है और कढ़ाई गर्म है मेरा। अब इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 चम्मच तेल, और इसमें डालूंगी मैं भरा हुआ करेला। इसे तलने के लिए 2-2 कर ही तले, और इसे धीमा आंच पर तले
पाँच से छः मिनट लगेंगे आपको करेला तलने में। इसे बीच बीच में पलटते रहें इस तरह से, इसे चारों तरफ से ब्राउन कर लें। हमेशा इसे उलटते पुलटते रहेंगे तो आपका करेला जलेगा नहीं, अच्छी तरह से पकेगा। देखिए दोस्तों, मेरा करेला ब्राउन हो चुका है, पूरी तरह से पक चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में, बाकी करेला को भी इसी तरह से डाल दूँगी और ब्राउन होने तक इसे भी पकने दूँगी। देखिए दोस्तों, मेरा भरवा करेला बर्गर बिल्कुल तैयार है। देखने में बहुत ही बढ़िया है, स्पाइसी भी है और चटपटा भी है। दोस्तों चलिए मैं आपको खाकर बताऊंगी कि मेरा भरवा करेला कैसा बना है। दोस्तों सब लोग खाते हैं अपने लिए, मैं खाती हूँ आपके लिए। बहुत ही बढ़िया बनी है दोस्तों, आप भी एक बार घर में जरूर ट्राई करें मेरा भरवा करेला। और दोस्तों अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।